बैसाखी पर्व के मौके पर सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष ने आज गुरुद्वारा में मत्था टेका और सिख गुरुओं के पांव छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह द्वारा आज ही के दिन वर्ष 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना के बाद से ही सिख समुदाय में पगड़ी पहनने के साथ साथ कृपानन रखने का नियम बन गया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष आज के दिन खालसा पंथ की स्थापना दिवस को बैसाखी पर्व के तौर पर मनाया जाता है। खालसा पंथ के स्थापना दिवस पर आज गुरुद्वारा को भव्य रूप से सजाया गया है। वहीं सिलीगुड़ी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष आज गुरुद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने मत्था टेका और सिख गुरुओं से मुलाकात कर पांव छूकर जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शंकर घोष ने लंगर भी खाया। वहीं शंकर घोष ने कहा कि आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इस दिन सिख समुदाय बैसाखी पर्व के रूप में मनाती है। एक तरह से ये सिख समुदाय के लिए नववर्ष है। इसी के मद्देनजर गुरुद्वारा में कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। इसी में शामिल होने के लिए वे गुरुद्वारा पहुंचे हैं। शंकर घोष ने कहा कि वे आज गुरुद्वारा में चुनाव प्रचार नहीं बल्कि सिख समुदाय की खुशी में शामिल होने आए हैं। चुनाव प्रचार आसले तो मानुषर जो काज करार विभिन्न विषय निये प्रचार करा निर्वाचन तार एक अंश फले स्वाभाविक भाव तरह प्रचार चलते प्रचार नाना भावे नाना दिक्कत चलो निर्वाचन शेष हो जा प्रचार चलो फले नाथिंग इज कल्ड एंड। द्वितीयत हे आज के गुरुद्वारा आसार कारण हे आज के शिख नववर्षर प्रथम दिन যেভাবে আমরা পয়লা বৈশাখ মানাই বা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় ভারতবর্ষের বিভিন্নভাবে নতুন বছরের শুরু তাদের ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে করা হয়, ঠিক সেইভাবে শিখ নববর্ষের আজকে প্রথম দিন গুরুদ্বারাতে আসলাম। এখানে শিখ নববর্ষ উদযাপনের যে রীতি সেই রীতিগুলো দেখলাম। এর আগে এমনিতে প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছোটো ভাইরা আছে, তো ওদেরকে সাথে নিয়ে একটু সমস্ত কিছু দেখতে ভালো লাগে ভীষণ, যে এত মানুষ তারা তাদের বিশ্বাসের উপরে দাঁড়িয়ে তারা একটা রীতি মেনে একটা সংস্কৃতি মেনে তারা যখন এই কাজগুলো করে তখন এই কথাটা বারবার করে প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষে সমাজ এবং ধর্ম একটা সংস্কৃতির মতন তা সেটা পালনিত হয়। ফলে তারই অংশ হিসাবে এখানে আসলাম, লঙ্গরে এখানে গেলাম, ওখানে সবার সাথে খাওয়া আছে সেখানে খেলাম। এগুলোই তো ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, যে বৈশিষ্ট্যের জন্যই ভারতবর্ষ আজও অনন্য। এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে চিরকালীন হয়ে থাকে, এই বৈশিষ্ট্যগুলো যাতে চিরায়ত হয়ে থাকে সেই জন্যই আমার চেষ্টা থাকবে। আমি গুরুদ্বারাতে এসে এই রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে কোনো মন্তব্য করাটা উচিত নয় বলেই মনে করি। আমি এখানে একটা আনন্দ অনুষ্ঠানে এসেছি, তো এটা আমি ওইভাবেই থাকতে চাই, আমি কোনো রাজনৈতিক মন্তব্য করব না।